नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। पूर्णिया शहर के रामबाग चौक स्थित गुरु क्लासेस में वर्ष 2021 के CTET परीक्षा के सफल छात्र छात्राओं के लिए संस्थान की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। संस्थान के निदेशक संजीव सर ने बताया कि कोरोना काल जैसे विषम परिस्थितियों में भी छात्र छात्राओं ने जी तोड़ मेहनत की है, जिसका नतीजा है संस्थान के 90% विद्यार्थियों ने सफलता का परचम लहराया है। अब इन छात्र छात्राओं को शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाने का मौका मिलेगा। कोरोना काल में सभी छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, जिसमें संस्थान की फैकल्टी ने काफी मेहनत की थी, जिसका नतीजा है कि संस्थान के सैकड़ों छात्र छात्राएं सफल हुए हैं, जिसे संस्थान की ओर से सम्मानित किया गया है। संजीव सर ने आगे कहा कि हमारा संस्थान छात्र छात्राओं के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सभी सफल विद्यार्थियों ने नए बैच के विद्यार्थियों के साथ अपना अनुभव साझा किया है और सफलता के उन्हें गुण भी दिए हैं। संस्थान के द्वारा वर्ष 2022 के लिए रोजाना शाम 4 बजे बैच चल रही है, जबकि आगामी 19 अप्रैल 2022 से नए बैच का शुभारंभ होने जा रहा है, जो सुबह 6 बजे से चलेगी। मैं गुरु क्लासेस परिवार की सदस्य हूँ, एक हिस्सा हूँ, और यह बात अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इस बात की महत्ता को वह लोग बहुत भली बात ही समझते हैं जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं। और शुक्रगुजार हूँ मैं अपने गुरुजनों का, जिनके सही मार्गदर्शन और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न वैकल्पिक संसाधनों द्वारा जिनकी मदद हमें ऑनलाइन एग्जाम की थी और यहाँ उपलब्ध कराए गए और मैं सफल हुई। गुरु क्लासेस परिवार या संस्था जो भी है आप, लेकिन यह संस्था इनको नहीं, यह परिवार है, यह एक ऐसा परिवार है जो कि आप किसी भी प्रकार की सीटेट बीटेट या किसी भी प्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण करने तक ही आपका साथ नहीं देता। यह आपका साथ तब तक देता है जब तक तो आप अपनी मंजिल तक न पहुँच जाए। या यूँ कहे सम्मान समारोह, किस तरह का सम्मान समारोह और क्या कुछ खास हुआ है? हर बार की तरह इस बार गुरु क्लासेस में जो सीटेट दिसंबर 2021 जो एग्ज़ाम होता है, जो हमारे में तैयारी करवाई जाती है, उसकी जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट आया और उसमें हमारे संस्थान से 100+ स्टूडेंट ने रिजल्ट किया है। और ये जो एग्ज़ाम होता है, इससे जो बिहार में जो शिक्षक बनते हैं या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी प्रोफेशन, जो भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसमें क्वालिफाई करने के लिए सीटें जो लगती है, इसमें यहाँ पर तैयारी होती है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट अच्छा किया। इस बार ऑनलाइन होने के बाद हमारे यहाँ सब सुविधा है, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई होती है और सभी तरह के टीचर्स हैं, सब सब्जेक्ट से पढ़ाई होती है और इस तरह इन्वायरमेंट मिलता है, जिससे नहीं जो भी स्टूडेंट रिजल्ट करते हैं। और दूर दूर के अलग अलग जो जिले हैं हमारे हिमाचल में और कोसी के, वो सब स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं और हम उसके लिए सभी तरह की सुविधाएँ दिए हुए हैं। साथ ही साथ अभी हमारा जो सीटेट जुलाई 2022 का एग्जाम होने वाला है, उसका बैच चल रहा 4 बजे और नया बैच है 19 अप्रैल को सुबह में 6 बजे स्टार्ट हो रही है और उसमें विद्यार्थी का एडमिशन शुरू हो गया, वो पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा एक लक्ष्य जो गुरु क्लासेस हमने स्टार्ट किया था कि हमारे समाज में जो समाज को आईना दिखाने काम करते वो शिक्षक करते हैं। और अभी शिक्षा व्यवस्था जो है सभी स्कूल में अच्छा नहीं होने के कारण से, अच्छे शिक्षक नहीं होने के कारण से पढ़ाई बच्चों को नहीं हो पाती, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल। इसलिए सीटेट बच्चे अच्छे से पास करते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है वो अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ा पाते हैं। इसीलिए उस तरह का इन्वायरमेंट बच्चों को दिया जाता है ताकि वो जहाँ पे भी जाएंगे अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए। यही उद्देश्य हमारा गुरु क्लासेस का है। और यहाँ पे अभी इंडिया में जितने भी शिक्षक संबंधित एग्जाम की तैयारी होती है, चाहे BEd हो, DLEd हो, नेट जा रहा हो, CTET हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, सभी तरह का तैयारी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है और सभी को इसका लाभ उठा रहे हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि अभी जो भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं उसमें हम 100% दिए बच्चों को और अभी तो भी सफलता प्राप्त करें। और आज जो हमारा पूर्णिया है और सीमांचल है, सभी जगह पे अच्छे शिक्षक जाएं और बिहार में जो साक्षरता दर कम है जो उसमें और वृद्धि हो और सभी को ही उसका मतलब कि उसमें अच्छे शिक्षक होने के कारण से हो पाएगा। रूरल एरिया में अभी पढ़ाई का जो कमी है उसे जो हमारी सरकार है वो शिक्षक बहाली कर रही है, ये बहुत खुशी की बात है।
और हमारे बिहार के बच्चे जो शिक्षक बन के अच्छे से सही राह दिखाएंगे, इसीलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं और एक व्यवस्था भी है ताकि सभी को अच्छा एग्जाम पास करें। सी टेट का सक्सेस रेट इस बार क्या रहा, कितने बच्चे पास किए हैं आपके जितने बच्चे हैं? हमारा 90% स्टूडेंट एग्जाम में पास किए, ताकि कुछ स्टूडेंट हैं जो किसी कारण से ऑनलाइन एग्जाम होने के कारण से, किसी स्टूडेंट को जो कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होने के कारण से उससे थोड़ा सा परेशानी हुई, एक दो नंबर से नहीं हो पाया उसका, और सभी स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास। नमस्कार, मैं